प्लीज मुझे अपने मालिक का नाम बता दीजिए। किसी साउथ की मूवी का हिंदी रीमेक बनाना, ये काम बहुत पहले से बॉलीवुड में चलता आया है। पहले फिल्म मेकर्स साउथ की फिल्मों के हिंदी राइट्स खरीद लेते हैं और फिर कुछ सालों के बाद जब ऑडियंस के दिमाग से उस फिल्म की छवि धुंधली हो जाती है तब उसका हिंदी रीमेक बना दिया जाता है। और आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही तेलुगु फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका हिंदी रीमेक जल्द ही बनने वाला है या फिर बन रहा है। आला वकुंठ पुरामालू अल्लू अर्जुन की बिगेस्ट तेलुगु हिट फिल्म है जिसमें अल्लू अर्जुन के साथ नजर आई थी पूजा हेगड़े और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने। बता दें कि यह फिल्म 2020 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म थी जिसने महेश बाबू की फिल्म सारी लेरु निकेवरु की कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया था। और अब इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनने वाला है जिसमें कार्तिक आर्यन मेन लीड प्ले करते हुए नजर आएंगे। और कुछ टाइम पहले ये खबर सामने आई थी कि इस फिल्म में कृति सैनन मेन फीमेल लीड प्ले करती हुई नजर आएंगी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला इस फिल्म में कार्तिक आर्यन की मदर का रोल प्ले करेंगी। बता दें कि इस फिल्म को बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे रोहित धवन डायरेक्ट करेंगे और इस फिल्म को एकता कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म का टाइटल रखा गया है शहजादा। अल्लू अर्जुन की फिल्म डीजे हम में से बहुत से लोगों ने देखी होगी जिसमें अल्लू अर्जुन ने एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीजे और एक प्रीस्ट का रोल प्ले किया था। ये फिल्म 2017 की मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज में से एक थी जिससे ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। बता दें कि इस फिल्म में भी अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की जोड़ी नजर आई थी और जो सलमान खान की फिल्म राधे में सीटी मार गाना था वो इस फिल्म के सॉन्ग सीटी मार का हिंदी वर्जन था। बता दें कि अब इस फिल्म के सॉन्ग के साथ साथ फिल्म का हिंदी रीमेक भी बनने वाला है जिसके मेन लीड में सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे। जर्सी एक तेलुगु फिल्म थी जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और इसके मेन लीड में नजर आए थे नानी और श्रद्धा श्रीनाथ। इस फिल्म को भी ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पांस मिला था और अब फिल्म के हिंदी रीमेक की शूटिंग भी पूरी हो गई है जो कि अब अपने पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है और ये फिल्म जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। फिल्म में मेन लीड में नजर आने वाले हैं शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर। पकल जरगे चिन्ह चिन्ह विषयालु निकली पास निकुत शस्त्र अंधके ही पैनिक अटैक से बन रीति तपे मुंद्रो जेएमएम जरगिंदो ना हिट एक बेहतरीन तेलुगु थ्रिलर फिल्म थी जिसमें मेन लीड में नजर आए थे विश्वक सेन और रूहानी शर्मा। बता दें कि यहां पर हिट का मतलब होमिसाइड इंटरवेंशन टीम है। इस फिल्म में एक्टर एक मिसिंग वुमेन को ढूंढते हुए नजर आते हैं और अब रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का हिंदी रीमेक भी जल्दी आने वाला है जिसमें लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे राजकुमार राव और इस फिल्म को भी डायरेक्ट करने वाले हैं शैलेश कोलनू जिन्होंने ओरिजिनल हिट को भी डायरेक्ट किया था। ब्रोचे वारे वरुरा एक तेलुगु क्राइम कॉमेडी फिल्म थी जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी। इसके मेन लीड में नजर आए थे श्री विष्णु और निवेता थॉमस। ये फिल्म थ्री मिसफिट फ्रेंड्स और किडनैपिंग के बारे में थी। बता दें कि अब इस फिल्म का हिंदी रीमेक भी बनने वाला है जिसके हिंदी राइट्स बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन ने खरीद लिए हैं और रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन के इस फिल्म में नजर आने वाले हैं बॉलीवुड के फेमस स्टार सनी देओल के बेटे करण देओल। नांदी एक सुपरहिट तेलुगु क्राइम कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी जिसके मेन लीड में नजर आए थे अल्लरी नरेश और वारालक्ष्मी शरद कुमार। अब इस फिल्म का भी हिंदी रीमेक बनने वाला है। बता दें कि कुछ टाइम पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन और साउथ के फेमस प्रोड्यूसर दिलराजू इस फिल्म के लिए कोलैब करने वाले हैं और अब देखना ये होगा कि इस फिल्म में कौन सा एक्टर और एक्ट्रेस नजर आते हैं और ये फिल्म कब फ्लोर पर जाती है। तो ये थी कुछ तेलुगु मूवीज जिनका हिंदी रीमेक आप जल्दी सिल्वर स्क्रीन पर देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा बताएं हमें कमेंट्स में। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी फिल्मी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।